गुड मॉर्निंग. टुडे वी स्टार्ट लेसन 9, द ग्रीन कॉर्नफील्ड. दिस इज अ पोयम रिटन बाय क्रिस्टीना रोसेटी. शी वॉज एन इंग्लिश पोएट हु रोट मेनी पोएम फॉर चिल्ड्रन. बिफोर वी स्टार्ट द लेसन वी विल गो थ्रू द न्यू वर्ड्स. स्काई लार्क इज अ बर्ड विच इज नोन फॉर इट्स स्वीट सॉन्ग. फाउंड इन फार्म लैंड्स एंड ओपन कंट्री. एक ऐसी बर्ड जिसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है और वो फार्म्स में मीन्स खेतों में और ओपन कंट्री मीन्स गांव के खुले मैदानों में दिखाई देती है. स्पेक मीन्स अ स्मॉल स्पॉट. एक छोटे से डॉट की तरह होता है स्पेक. एकॉर्ड. एकॉर्ड मीन्स इन अग्रीमेंट. मीन्स अकॉर्डिंग टू समथिंग. किसी चीज़ के अनुसार. नेक्स्ट इज स्टॉक्स. STALKS स्टॉक्स. इट मीन्स स्टेम्स ऑफ द कॉर्न प्लांट. कॉर्न प्लांट का जो स्टेम वाला हिस्सा है. स्टेम यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर साइंस ऑल्सो. दैट इज कॉल्ड स्टॉक्स. नाउ वी स्टार्ट द पोएम द ग्रीन कॉर्नफील्ड. चिल्ड्रन यू विल सिट विथ योर बुक पेज नंबर 59 ओपन एंड रीड द फर्स्ट पैरा विद मी. द अर्थ वॉज ग्रीन. द स्काई वॉज ब्लू. आई सॉ एंड हर्ड वन सनी मॉर्न. अ स्काई लार्क हैंग बिटवीन द टू. अ सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्न. सो यू कैन सी इट इज अ मॉर्निंग टाइम. ब्यूटिफुल सनी मॉर्निंग टाइम इन द corn field, where you can see that the corn field is completely green and the sky is completely blue and the sun is shining brightly. At that time, a skylark is hanging between the two. This poem is about the view what the poet Christina Rossetti saw when she was passing by the green corn field. So what did she see and what did she hear? First thing, she saw a skylark hang between the two. Two here means between the blue sky and the green cornfield. In dono ke beech mein usne ek skylark ko dekha. And what did she hear? She heard the song of the skylark. And it seemed as if a little dot was singing above the corn. Why it was looking like a speck? Because the skylark is a very small bird, and when it is flying high, bit far away between the sky and the earth, it was looking as if a singing dot was moving around. छोटा सा एक dot जैसे singing करते हुए इधर से उधर घूम रहा हो, ऐसा feel हो रहा था.